हरियाणा के फरीदाबाद में हुए निकिता हत्याकांड के बाद अब देश की कई राज्य सरकारें लव जिहाद पर कानून बनाने का फैसला कर रही हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, इन सभी राज्यों में लव जिहाद पर कानून बनाने की प्रक्रिया बहुत तेज हो गई है। आखिर ये लव जिहाद है क्या, लव जिहाद का मतलब क्या है, आज की इस रिपोर्ट में चर्चा होगी लव जिहाद पर ही। नमस्कार, मैं हूँ विशाल कौशिक, आप देख रहे हैं न्यूज NCR। तीनों राज्यों की सरकारों की माने तो लव जिहाद यानी किसी युवक और युवती की शादी के बाद उनका धर्म परिवर्तन कराना, या फिर शादी के लिए उन्हें फोर्स करना, या फिर लालच देकर उन्हें शादी और उनका धर्म परिवर्तन कराना इस कानून में शामिल होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या भारत सरकार और राज्य सरकारों के पास ऐसा कोई डेटा है जिसमें लव जिहाद को सच माना जा सके? जवाब है नहीं। राज्य सरकारों की माने तो उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो 10 साल तक की सजा उस व्यक्ति को हो सकती है और यह अपराध गैर जमानती होगा। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार भी लव जिहाद के मामलों को लेकर 5-10 साल तक की सजा सुनाने का प्रावधान बना रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। मगर सवाल यह है कि लव जिहाद कानून के बाद लोगों के जीवन से प्रेम शब्द खत्म हो जाएगा, या फिर जो प्रेमी जोड़े लव मैरिज करना चाहते हैं वे लव मैरिज कर पाएंगे? सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को होने वाली है जो कि अलग अलग धर्मों से हैं, क्योंकि इस कानून के बाद जो लोग स्वेच्छा से शादी करना चाहते हैं उन लोगों को जिले के कलेक्टर के पास जाकर 1 महीने पहले आवेदन देना होगा। भारत के संविधान अनुच्छेद 25 की माने तो नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने, प्रैक्टिस करने और प्रचारित करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन शर्तें पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए। लव जिहाद पर राज्य सरकारें जल्द ही विधानसभा में बिल पेश करेंगी। हरियाणा राज्य से शुरू हुए इस लव जिहाद एंगल पर हरियाणा सरकार ने कानून बनाने के लिए घोषणा तो कर दी है, मगर क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने कहे हुए बयान को भूल गए हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि वे कश्मीर से बहू लाएंगे? अब देखना यह है कि क्या लोगों की शादी किससे हो, ये भी हमारी सरकार तय करेगी। आपकी लव जिहाद को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहें न्यूज NCR।